अपना पांच भौतिक शरीर छोड़कर जिनकी पवित्र आत्मा मालिक के चरणों में जा पहुंची है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। लगभग 40 साल से संबंध रहा है। केसरदास जी मुझे अपना छोटा भाई ही मानते थे, तो उन्हीं के बदौलत मैं इस परिवार के साथ 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये बात और है कि जब ये बच्चे अशोक जी, रजिंदर जी, प्रेम जी मेरे साथ बैठक करते थे तो हम इकट्ठे इनके घर पर भी काफी कभी मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते हैं कि अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूं तो दुआएं साथ चलती हैं। जब भी किसकी मेरी भवर में आ जाती है, जब इंसान परिवार के अंदर परेशान हो जाता है, परिवार के अंदर परेशान हो जाता है, जब भी किसकी मेरी भवर में आ जाती है तो मां दुआ करते हुए द्वार में आ जाती है। उनका जिसका अंत नहीं उसको आसमां कहते हैं,
ऊपर जिसका अंत नहीं उसको आसमा कहते हैं और जिसके प्यार का अंत नहीं उसको मां कहते हैं। आज मां की तस्वीर देखकर क्या कह रहे हैं मां? देखो तस्वीर में भी बुलाती है मां, देखो तस्वीर में भी बुलाती है मां, मैं करूं क्या बहुत याद आती है मां, देखो तस्वीर में भी बुलाती है मां, मैं करूं क्या बहुत याद आती है मां, अपना अमृत पिलाकर न कुछ मांगती। वो मां जो कभी एहसास नहीं करती, जब मां होती है ना तो एहसास नहीं होता, काम अपने आप ही हो जाते हैं। जब मां नहीं होगी तो एहसास होता है इंसान, अपना अमृत पिलाकर न कुछ मांगती, अपना अमृत पिलाकर न कुछ मांगती, सारी दुनिया लुटाकर न कुछ मांगती, सारी दुनिया लुटाकर न कुछ मांगती, कोई एहसान कभी ना जताती है मां, कोई एहसान कभी ना करूं क्या बहुत याद आती है मां, देख तस्वीर में भी बुलाती है मां, मैं करूं क्या बहुत याद आती है मां। वो बचपन के दिन, भाई बहनों का आपस में कुछ टकराव हो जाता है तो मां के पास आ जाते हैं, तो मां लोरिया मां सुन के सोते थे हम, लोरिया माँ की सुन के सोते थे हम, उसके आंचल बिना खूब रोते थे हम, उसके आंचल बिना खूब रोते थे हम, रूठ जाओ कभी तो मनाती है माँ, रूठ जाओ तस्वीर में भी बुलाती है मां। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि तो ये परिवार जो है ये आज का हमारा इनके साथ लिंक नहीं, पाकिस्तान से लैलपुर से लिंक है इनका, हमारे बूढ़े पिता श्री पंडित भीमसेन जी जिनका इस परिवार के ऊपर आशीर्वाद है। कहते हैं कि आज खुद गर्जी के साथ प्यार नजर आते हैं, ध्यान देना कि आज खुद गर्जी के साथ प्यार नजर आते हैं, आदमी लाखों में दो चार नजर आते हैं, जो देखने में चेहरे के बड़े बोले वाले हैं, जो देखने में चेहरे के बड़े बोले वाले हैं उनके पहलू में भी खार नजर आते हैं, आदमी लाखों में दो चार नजर आते हैं। कहते हैं कि जो सिकड़े खनकते हैं, ये जो सिकड़े खनकते हैं उसमें खरा एक भी नहीं, कहते हैं तुझ पे मरेंगे पर मरा एक भी नहीं, वैसे सब मरने को तैयार नजर आते हैं, आपकी लाखों में दो चार नजर आते हैं। रात भर होटलों में नाचते रहे गाते रहे जान टकराते रहे, रात भर होटलों में नाचते रहे गाते रहे जान टकराते रहे, सुबह मंदिर गुरुद्वारे जाने के लिए बीमार नजर आते हैं, आदमी लाखों में दो चार नजर आते हैं। भस्मी लगाने से ना रेशमी मिसालों से, भस्मी लगाने से ना रेशमी मिसालों से बंदा पहचाना जाता है अपने अमालों से, जैसे महाराज हुजा प्रवाह गुरु वासी के सदाजी का प्रवाह। भस्मी लगाने से ना रेशमी मिसालों से बंदा पहचाना जाता है अपने अमालों से। कहते हैं कि संतरा ऊपर से एक है अंदर से अनेक है, खरबूजा ऊपर से अनेक है।
है, अंदर से एक है, पता नहीं चलता उस ऊर्जा प्रभाव के नाल दुख साझा करने लिए इतने कतर होया। ऊर्जा प्रभाव जो किसी पहचान का मुताज नहीं, आज ये प्रभाव अपनी मां की ममता, उसकी निकी छां, उसका प्यार, उसकी डोरियां, उसकी झड़कां, वो सारी चीजों को वांझे होते। कुछ देर पहले हमारे माता समान हमारा बुजुर्ग श्री शांति देवी जी अहूजा हमारे बीच नहीं रहे। आज उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हुए। धर्म पुराण जन का समस्त दल, आज हमारी प्रार्थना सभा का समस्त दल पुण्य आत्मा पर पूजनीय शक्ति स्वरूपा माता शांति देवी जी अहूजा उनके निमित्त अर्पित किया जा रहा है। परम तथा परमात्मा के चरणारविंद में प्रार्थना है उनके सुपुत्र अशोक जी अहूजा जगदीश करे तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर यामी स्वामी तुम्हें अंतर यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के टीवी ते तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत है। अज लाल बादशाह दरबार नकोदर विखे एक प्रेस मीटिंग रखी गई जिस विच ट्रस्ट के प्रधान चेयरमैन पवन गिल अते पद्म श्री हंस राज हंस दरवेश जी ने पंजाब लाइव टीवी नाल विशेष गलबात की। उन्होंने दसिया कि इस बार करवाए जा रहे मेले विच ट्रैफिक अते पार्किंग ते खास ध्यान दिता जाएगा। यही नहीं सगों मेले विच आउण जाण लई रेलवे स्टेशन अते बस स्टैंड ते आटो दी फ्री सर्विस दित्ती जावेगी।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਲੇ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 001-604-782-4769। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰਾਯ ਧੀਮਹਿ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਨਾਥਾਯ ਨਾਥਾਯ, ਸੀਤਾਯ ਪਤਯ ਜੇ ਜੇ ਰਾਮ।
प्रसिद्ध मातृशक्ति माताओं, आदरणीय बुजुर्गों, बहनों तथा भाइयों, बड़ी पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, ममता की साक्षात मूर्ति, परम पूजनीय माता शांति देवी जी अहूजा, जिनके नश्वर शरीर का त्याग करने पर उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए रखी गई श्री गरुड़ पुराण जी की समाप्ति एवं रसम पकड़ी के समय हम सब उस पुण्य आत्मा के लिए श्रद्धा सुमन लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए। परिवार में से किसी भी सदस्य का चले जाना दुख को देने वाला है, परंतु माँ का चले जाना इससे बढ़कर के संसार में कोई दुख नहीं। शब्द सुनने में बड़ा छोटा है माँ, पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा माँ ही निभाया करती है। पीड़ा के पैगंबरां दी गल दो जहान ते मां दी आवाज जाए सत आसमान ते। संसार में आशीर्वाद देने वाले बहुत मिलते हैं, पर मां जो आशीष देती है, मां जो आशीर्वाद देती है, मां जो दुआ देती है, उसके समान किसी की दुआ नहीं। दुखी रहन सदा किराए पे रहन वाले कोई सुख नहीं अपनी थां वर्गा, जिदे सिमरिया बंदे दे लेख बनदे, कोई ना नहीं प्रभु दे ना वर्गा। लखा रिश्ते ने जहान अंदर, पर कोई रिश्ता नहीं पुत ते मां वर्गा। आज मंच के ऊपर मां की तस्वीर के सामने समस्त परिवार विराजमान है। प्यार आपने दिया, जो आशीर्वाद आपने दिया, जो एहसान जिस कार होते जाड़ नहीं, जिस कल बैठी मां हो समानता कोई नहीं कर सकता। भाव है Yeah.
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਵੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਵੇ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਛੁਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਛੁਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕੌਣ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਵੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰ ਭਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਭਰੇ ਮਾਂ ਜਿਸਕਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਇਸ ਮਹਾਰੀ ਦੁੱਖ ਮੇਂ ਸਹਿਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਔਰ ਪੁਣਿਆ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਤ ਕੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮੂਰਤੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਯ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ
मामा गर्भियां नहीं परमपिता परमात्मा की चरणारविंद में प्रार्थना है। पुण्य आत्मा का आशीर्वाद समस्त परिवार के ऊपर बना रहे। अब 10 मिनट के लिए आदरणीय भाई जी अपना भावन प्रवचन और आशीर्वाद परिवार का। प्रिय सज्जनों, आज हम सब जो कि अपना 5 भौतिक शरीर छोड़कर जिनकी पवित्र आत्मा मालिक के चरणों में जा पहुंची है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। सज्जनों, जो भी संसार के अंदर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। ये कुदरत की ओर से विधान बना हुआ है कि जिस क्षण हमारा जन्म होता है अगले ही क्षण सभी मृत्यु की लाइन में लग जाते हैं। जाना तो सबको ही पड़ता है, लेकिन जाने जाने में बड़ा अंतर है। एक तो संसार के अंदर आकर अपना सब कुछ गंवा कर चले जाते हैं। भगवान श्वास रूपि पुंजी का दान देकर संसार में भेजता है कि इन श्वासों द्वारा मुक्ति का खजाना इकट्ठा करके लाओ। जो बहुत ही सियाने और चतुर व्यापारी होते हैं, भगवान ने हमें व्यापार करने के लिए संसार में भेजा है। जो बहुत सियाने और चतुर व्यापारी होते हैं वही संसार के अंदर रहकर संसार के कार्य व्यवहार करते हुए साथ साथ अपना साथ जाने का धन भी कर्त कर लेते हैं। तो पूज्य माता जी भी उन्हीं में से थे, बड़े सियाने और चतुर थे। संसार का कार्य व्यवहार तो उन्होंने पूर्ण रूप से निभाया है, लेकिन साथ साथ भक्ति का खजाना भी कर्त किया। अपने पूरे परिवार को भक्ति के प्रति संस्कार भी दिए। सारे का सारा परिवार गुरुमुखों का परिवार है। सारे परिवार को भक्ति की ओर लगाया है और खुद भी उन्होंने पूर्ण रूप से अंतिम समय तक भक्ति की। उनको श्री गुरु महाराज जी के ऊपर इतना अधिक विश्वास था कि वो कुटिया बनाए बिना रह नहीं सकते थे। आखिरी समय तक भी वो संक्रांति के दिन कुटिया बनाए। जब तक उनका शरीर चलता रहा आखिर तक वो कुटिया बनाते रहे। इतना दृढ़ विश्वास था श्री गुरु महाराज जी के ऊपर कि कहा नहीं जाता। इतना प्रेम, इतना दृढ़ विश्वास और इतना दृढ़ संकल्प उनका बना हुआ था को और कई संतों की तरह चुपचाप निकल गए। तो जाने जाने में तो कितना अंतर है। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चंद ले एक बांधे जात जनी। आए तो जो सब है लेकिन जाना भी सब नहीं है, लेकिन जाने जाने में बड़ा अंतर है।
एक तो सिंहासन पर चढ़ कर जाते हैं, बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, और एक यमदूतों की जंजीरों से बंद कर जाते हैं। वो सिंहासन पर बैठ कर गया सतगुरु खुद उनको लेकर गए और बड़ी खुशी खुशी गए। तो जाने जाने में भी कितना अंतर, जाना तो सबको ही पड़ता है, सबको पता भी है कि आए हैं तो एक दिन जाना ही पड़ेगा। जैसे कि हम यात्रा करते हैं कहीं भी तो सबको पता होता है कि मेरा स्टेशन आएगा तो मुझे उतरना है, रास्ते में आपस में कितना प्रेम हो जाता है, लेकिन कोई किसी के स्टेशन पर नहीं उतरता। हंसते खेलते हुए सब अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। ऐसे ही माता जी इस संसार के अंदर आए, अपना कार्य व्यवहार करके हंसते हंसते इस दुनिया से चले। तो वो बहुत ही एक पवित्र आत्मा थी, बहुत ही भक्तिमान आत्मा थी, और वो सीधा उनकी आत्मा जो है मालिक के चरणों में निकली। एक बार युधिष्ठिर जी को बड़ी प्यास लगी जल पीने के लिए, यक्ष का तालाब था वहां चले गए। तो यक्ष परिवार के साथ लगभग 40 साल से संबंध रहा है। केसरदास जी मुझे अपना छोटा भाई ही मानते थे, तो उन्हीं की बदौलत मैं इस परिवार के साथ 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यह बात और है कि जब ये बच्चे अशोक जी, रजिंदर जी, प्रेम जी मेरे साथ बैठक करते थे तो हम इकट्ठे इनके घर पर भी काफी काफी समय गुजारा करते थे, लेकिन समय के चक्कर के साथ हाथी अपने कार्य में व्यस्त होता चला गया और मेरा भी कुछ इनके साथ संपर्क टूटता सा गया। फिर भी माता जी कभी ना कभी कुटिया पर आ जाया करते थे, काफी प्यार करते थे, बड़े प्यार से हमसे मिला करते थे। आज जब सुबह मैंने अखबार में उनके बारे में पढ़ा तो मन को दुख लगा, तो मैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति। मंत्र मूलम गुरु मोक्ष मूलम गुरु। कहते हैं कि अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूं तो दुआएं साथ चलती हैं। जब भी किसी मेरी भंवर में आ जाती है, जब इंसान व्यापार के अंदर परेशान हो जाता है, परिवार के अंदर परेशान हो जाता है, जब भी किसी मेरी भंवर में आ जाती है तो मां द्वार लगते हुए द्वार में आ जाती है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसको आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसको आसमां कहते हैं, और जिसके प्यार का अंत नहीं उसको मां कहते हैं। आज मां की तस्वीर देखकर क्या कह रहे हैं मां? देह तस्वीर में भी बुलाती है माँ, देह तस्वीर में भी बुलाती है माँ, मैं करूँ क्या बहुत याद आती है माँ, देह तस्वीर में भी बुलाती है माँ।
मैं करूं क्या, बहुत याद आती है मन अपना, अमृत पिलाकर न कुछ मांगती। वो माँ जो कभी एहसास नहीं करता, जब माँ होती है ना तो एहसास नहीं होता, काम अपने आप ही हो जाते हैं। जब माँ नहीं होगी तो एहसास होता है इंसान अपना, अमृत पिलाकर न कुछ मांगती, अपना अमृत पिलाकर न कुछ मांगती, सारी दुनिया लुटाकर न कुछ मांगती, सारी दुनिया लुटाकर न कुछ मांगती। भाई बहनों का आपस में कुछ टकराव हो जाता है तो माँ के पास आ जाते हैं, तो माँ लोरिया माँ की सुन के सोते थे हम, लोरिया माँ की सुन के सोते थे हम, उसके आंचल बिना खूब रोते थे हम, उसके आंचल रखते हुए मैं ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि तो ये परिवार जो है ये कोई आज का हमारा इनके साथ लिंक नहीं, पाकिस्तान से लैलपुर से लिंक है इनका। हमारे बूढ़े पिता श्री पंडित भीमसेन जी, जिनका इस परिवार के ऊपर शुरुआत है, कहते हैं कि आज खुद दर्जी के साथ प्यार नजर आते हैं। ध्यान देना कि आज खुद दर्जी के साथ प्यार नजर आते हैं, आदमी लाखों में दो चार नजर आते हैं, जो देखने में चेहरे के बड़े बोले वाले हैं, जो देखने में चेहरे के बड़े बोले वाले हैं उनके पहलू में भी चार नजर आते हैं, आदमी लाखों में दो चार नजर आते हैं। कहते हैं कि जो सिक्के खड़कते हैं, ये जो सिक्के खड़कते हैं उसमें खड़ा एक भी नहीं, कहते हैं तुझमें मरेंगे पर मरा एक भी नहीं, वैसे सब मरने को तैयार नजर आते हैं, आपकी लाखों में दो चार नजर आते हैं। रात भर होटलों में नाचते रहे गाते रहे जान टकराते रहे, रात भर होटलों में नाचते रहे गाते रहे जान टकराते रहे, सुबह मंदिर गुरुद्वारे जाने के लिए बीमार नजर आते हैं, आपकी लाखों में दो चार नजर आते हैं। भस्मी लगाने से ना रेशमी मिसालों से, भस्मी लगाने से ना रेशमी मिसालों से बंदा पहचाना जाता है अपने अमानों से, जैसे महाराज हुजा प्रवाह गुरु जी का प्रवाह। भस्मी लगाने से ना रेशमी मिसालों से बंदा पहचाना जाता है अपने अमानों से, कहते कि संतरा ऊपर से एक है अंदर से अनेक है, खरबूजा ऊपर से अनेक है अंदर से एक है, पता नहीं चलता ऊपर नीचे दो छालों से बंदा पहचाना जाता है अपने मालों से। जो गुजर गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो गुजर गए हैं वो जमाने नहीं आते, लोग नए तो आते हैं। मकान में दिया मत रखना, लोग जलाने तो आते हैं पर बुझाने नहीं आते, जो गुजर गए हैं वो जमाने नहीं आते। सदियों से खड़ा है मेरे मकान के आगे पुराना वृक्ष, तो समय का ध्यान रखते हुए जाना मैं कहता हुआ अपनी वाणी को यहीं पे श्राप देता हुआ ओम नमः शिवाय। माननीय श्री भोत्रा जी को पुण्यात्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन।
की हाजिरी में थी। व्यास गति से प्रार्थना पूजा पंडित जी ने पूजा भाई जी आदत सारे उस ऊर्जा प्रभाव के नाल दुख साझा करने लिए इतने एकत्र हो ऊर्जा प्रभाव जो किसी पहचान का मुताज नहीं आज ये प्रभाव अपनी मां की ममता उसकी निकी छां उसका प्यार उसकी डोरियां उसकी झिड़कां वो सारिया चीजा तो वांझ हो गया। मां की जो महत्ता है आप दुनिया का कोई भी ग्रंथ चक लिया ऑल होली बुक्स ऑफ द वर्ल्ड कोई भी ग्रंथ सो मां की जी महत्ता है वो सब तो पवन गुरु पानी पिता माता तत्त महत्ता सो मां की जी महत्ता है वो बहुत उपर है। भगवान कृष्ण को किसी ने पूछा सी कि स्वर्ग तो भी उपर कोई चीज है तो भगवान कृष्ण ने कहा से हाँ स्वर्ग तो भी उपर कुछ है। जब पूछा कि स्वर्ग तो उपर की है तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मां की गोद मां की गोद जी है वह स्वर्ग तो भी उपर तब सिंह कभी होया उसने मां बारे लिखा कि मां रात को कभी सोई नहीं सिर्फ एक बार कहा था कि मां मुझे डर लगता है। बच्चा अगर एक बार मां को रात को यह कह दे कि रात को मां मैं डर लगता है तो फिर मां कभी सौंदी नहीं। इंग्लैंड के एक सर्वे होया कि वह किहड़ा वर्ल्ड है जिहड़ा दुनिया के सब तो ज्यादा बोलिया जाता है। आम लोगों की राय से गॉड परमात्मा किसी का की किसी का की पर तुसी हैरान होंगे जो रिजल्ट आया तो आया मां मां एक ऐसा रिजल्ट है जिहड़ा दुनिया में सब तो ज्यादा जिहड़ा बोलिया जाता है। मैं सुन रहा सी जदों स्टेज तो पंडित जी दस रहे थे मां के एहसास का इट्स द ग्राउंड रिएक्टर कि मां साडे को घर च है पर असी जदों सवेरे निकलते हाँ तो असी भुल जाते हैं कि असी दो मिनट अगर मां का आशीर्वाद लगे मां के चरणों में हाथ लाइए तो उन्हें तो सिर्फ दुआ ही देनी उन्हें होर नहीं कुछ कहना पर मां का एहसास उदों सानू बहुत ज्यादा होंगे जो मां साडे कोल एक कवि ने लिखा सी कि वो है इसका मदर इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड जिसके कोल मां है वो दुनिया का सब तो अमीर आदमी है। सो एक अपों मैं कहांगा कि रजेंद्र जी बैठे ने अशोक जी बैठे ने बेशक जिन्हें भी साधन संपन्न हो पर मां पक्षों अज भी मां का रिश्ता टुट जाने कदे सोचो कि किन्ने रिश्ते टुट जाते पुत्र नूहां पोतरे दोते दोतियां किन्ने रिश्ते एक रिश्ते के चले जाने बहुत ज्यादा रिश्ते जड़े ने टुट जाते दुनिया में कुछ भी बना लो मंदिर बनाओ मस्जिद बनाओ कुछ बनाओ पर जी साड़ी संगत है वो बृद्ध आश्रम वाली साड़ी संगत आई है ये पछमी संगत असी तो उस देश के वासी हाँ जिथे सरवण वर्गे अपने बुढ़े मां बाप को वहगी च पा के दर्शन कराने लिए थां थां घूमता रहा असी तो उस देश के वासी हाँ
ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਦੁਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ, ਲੜਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਰੰਕ ਨੂੰ ਫੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਘਰ ਆਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਐਸਾ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਨੰਦ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਕਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਰਨ ਕਪੂਰ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋੜ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਚਲਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਮਰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੇਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨੇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆਦਰਨੀਯ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਭੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਬਹਿਣੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੇ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅਹੁਦਾ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਜ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਕੇ ਲਈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸਭੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ।
आदरणीय पंडित जी ने माता जी के जीवन के बारे में, मेरे भाई सतीश जी ने माता जी के महत्व के बारे में बहुत कुछ बताया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। धार्मिक क्षेत्र की बात करें, सामाजिक क्षेत्र की बात करें, अगर व्यापारिक क्षेत्र की बात करें, ये परिवार हर क्षेत्र में अग्रणी परिवार है। बहुत ही धार्मिक, बहुत सामाजिक ये परिवार है, लेकिन इनके कुदरत का असूल है, नियम है, जो भी इस दुनिया में आया है उसको चलेगा। आज हमारे हिंदू समाज में इस समारोह को रस्म पगड़ी का रूप भी दिया जाता है। रस्म पगड़ी का अर्थ भी यही है कि मैं तो जा रही हूँ और जिम्मेवारियाँ हम आपके ऊपर हैं। बहुत बड़ा परिवार है। सही महीने में जो भी श्रद्धांजलि देते हैं उनके लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि उनके जाने के बाद परिवार जो रास्ता माता जी ने बच्चों को सिखाया है, दिखाया है, वो सामाजिक क्षेत्र में भी, रिश्तेदारी में भी, अपने परिवारों में भी उसी तरह उसी पथ पर चलेंगे, उसी रास्ते को आगे बढ़ाएंगे और इकट्ठे होकर परिवार में रहेंगे। यही उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। हमारे बीच अभी अभी संजय कुमार जी MLA साहब होकर गए हैं, हमारे इलाके के काउंसलर श्री अनिल वाघेला जी यहाँ पर आए हैं। मैं सभी की ओर से, समय बहुत कम है, आगे के जो भी गुरु पंडित जी को पता है, मैं ये परिवार हमारे लिटरेचर इंडस्ट्री से संबंधित है, मैं लिटरेचर क्लब की ओर से भी और सभी स्टेशनों की ओर से भी मैं माता जी के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ और परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में निवास दें और परिवार को सुख शांति प्रदान करें। जय श्री राम। धर्म पुराण जन का समस्त कुल, आज हमारी प्रार्थना सभा का समस्त कुल आत्मा पर पूजनीय शक्ति स्वरूपा माता शांति देवी जी अहूजा उनके निमित्त अर्पित किया जा रहा है। परम पिता परमात्मा के चरणारविंद में प्रार्थना है, उनके सुपुत्र अशोक जी अहूजा, रजिंदर जी अहूजा, समस्त अहूजा परिवार, बेटी का माल पौत्र पर पौत्र सब स्वामी जयनाथ हरे भक्त जन के संकट दास जन के Thank you.
शांति शांति।